हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे गुटखा के बारे में, गुल के बारे में, सिगरेट के बारे में एंड समझ सकते हैं खैनी के बारे में। ठीक, आज जो प्लस में देता है उन लोग को बहुत अच्छा लगता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गुटखा के बारे में। ठीक, इसका स्टार्टिंग हुआ था 10 जुलाई 1998 को हुआ था। ठीक है, आप लोग इसको इस तरह यूज ना कीजिए समझ सोच के कि हमारा माइंड तेज होगा, इससे नहीं होता है यार। ठीक, अब फिर से ये जो यूज करते हैं हमारे दादा दादी लोग, दादा दादा यूज करते हैं, दादी यूज करती हैं, प्लीज दादा एंड दादी आप यूज इसको करते हैं ना, तो आपके देखा देखे जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं वो यूज करना सीख जाते हैं। ठीक है, प्लीज आज जो हमारे पापा चाचा चाची लोग तो साफ नहीं करती हैं, पापा चाचा करते हैं, या मामा मामी मामी सॉरी मामी भी नहीं करती है, नाना करते हैं, प्लीज आप लोग इसका यूज ना कीजिए, क्योंकि आपके देखा देखी हमारे छोटे भाई बहन एंड यंग जो लड़का होता है ये सब यूज करना स्टार्ट कर देता है। आज सिगरेट जो होता है स्टूडेंट लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होता है, हमारे स्टूडेंट लाइफ में सबको यूज करता है इसको, इस समझ के यूज करता है कि इससे माइंड तेज होता है। नहीं यार, प्लीज इसे कुछ नहीं होता है। ठीक, इंसान का माइंड यार तेज करना अपने हाथ में होता है। ठीक है, खुद उस इंसान के हाथ में होता है, ना कि इस सिगरेट के हाथ में रहेगा। ठीक, तो हम आप लोग को इस सलाह नहीं दे रहे हैं कि प्लीज आप लोग इसको छोड़ दीजिए, नहीं, हम आप लोग को ये कह रहे हैं कि अगर आप एक दिन में 5 रुपया खर्च करते हैं तो 30 दिन में समझ सकते हैं कितना खर्च हो गया, 150 हो गया ना, 150 हो गया। आप 150 में अपने बच्चों को एक मंथ पढ़ा सकते हैं या किस कॉपी किन के दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप खुद सोच नहीं सकते हैं, अपना सोचिएगा, कोई बात नहीं, सोचिए। सॉरी, आप लोगों को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं हम, बट एक इंडियन हूँ तो कहना तो बनता है अपने भाई बहन लोगों को कि प्लीज इसी सब गलत है। ठीक है, आप लोग इसको छोड़ दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।